घर जाने से पहले मैं प्लांट्स यहाँ पर छोड़ कर गई थी। ये रहे, यहाँ पर मैंने कम से कम 7 से 8 प्लांट्स अपने रखे थे, तो वो मैं वापस लेने जा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी गैलरी साफ कर रखी है। और क्योंकि जाने से पहले पीछे इनकी केयर कौन करता, इस चक्कर में मैं इनको नीचे छोड़ के गई थी और केयर टेकर को पे किया है, केयर टेकर को पे किया था कि इनको पानी देते रहना, क्योंकि पौधे हम लोग बहुत प्यार से खरीदते हैं, बाद में मुरझा जाते हैं तो बहुत खराब लगता है ना। तो मैंने यहीं पर ही जो है 7-8 पौधे ना, ये वाला, ये भी हमारा ही है, ये वाला ठीक है, वो भी हमारा ही है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कर लेती हूँ, ठीक है। वैसे तो अजय एक दो करके ले जाते, लेकिन मुझे लगा कि जब मैं नीचे आई हूँ वॉक करने के लिए तो इनको ले ही जाती हूँ। तो 4-5 चढ़ा दिए आप लोगों के सामने, अभी 2-3 और बाकी हैं, ठीक है। तो चलो फिर ये काम ही कर लेते हैं। तो ये मैं अपने प्लांट्स जो है लिफ्ट के थ्रू लेकर आई हूँ। मैंने प्लांट्स को लिफ्ट के थ्रू भेज दिया था और खुद मैं सीढ़ियों से आई हूँ, है ना। क्योंकि एक्चुअली ना दो बार ऐसा केस हो गया, मैं लिफ्ट के अंदर बंद हो गई थी, और एक बार मैं बंद हो गई थी और एक बार मैं बंद होते होते बच गई। तो जब बंद हुई तो मैं 5 मिनट के लिए अंदर बंद थी, तो बट ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन डरने वाली बात तब है जब लिफ्ट एकदम धड़ाम से बंद होती है ना। तो मेरे सामने जब हुआ ना, वो धड़ाम से बंद हुई थी, मेरा पैर बिल्कुल लिफ्ट के बीच में था और एकदम से बंद हुई, मैंने फटाफट से अपना पैर जो है पीछे कर लिया, इसलिए जो है मैं इस तरीके से जो है भाग भाग के अपने प्लांट्स लेकर आ रही थी। तो अब मैं इन लोगों को अंदर कर दूंगी। अभी एक और प्लांट बाकी है, वो लेकर आना है। और मैं बाल बाल बची हूँ लिफ्ट में बंद होने से, मतलब मैं तो डर गई थी ना बहुत ज़्यादा। पहले प्लांट लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे लिफ्ट में जाने से भी डर लग रहा था, बट सिचुएशन ये है कि जो प्लांट्स हैं वो थोड़ी हैवी हैं और मैं उनको लेकर कैसे आऊँ, यानी कि मैं हल्के हल्के प्लांट्स सीढ़ियों से लेकर आ सकती हूँ, लेकिन जो भारी हैं उनको मैं कैसे लेकर आऊँगी, उसके लिए मुझे लिफ्ट लेनी पड़ रही थी। जब लाइट जाती है ना लिफ्ट में, डर के मारे बैठी हुई हूँ, धड़ाम से बंद होती है और मैं लिफ्ट में बंद होते होते बची हूँ। बस पैर अंदर घुसाया था, इतने में लाइट चली गई और मेरे सामने ही जो लिफ्ट धड़ाम से बंद हुई, मैं इतना डर गई ना। प्लांट लेकर आते हैं। तो नीचे मुझे जो है भैया मिल गए थे, यानी कि जो यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं वो मिल गए थे। मैंने उनकी हेल्प से जो है अपने प्लांट वगैरह रखवा रही हूँ और मैं इनको बता रही थी कि मेरा प्लांट कौन सा है। वैसे तो इस जगह में जितने प्लांट्स रखे हैं ना वो सारे मेरे ही हैं, और बाकी जो ज़मीन में उगा रखे हैं वो सोसाइटी के हैं, तो मैं अपने प्लांट्स यहीं से उठा रही हूँ। यहाँ से भी है, लिफ्ट बंद हो जाती है। हाँ, इनको ऊपर हटाना था ना। भैया साथ चलो प्लीज, एक बार उनको घर छोड़ देना। ये वाले, ये सामने वाले, ये ऊपर, हाँ यही है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो
फाइनली घर पे आ चुकी हूँ और बना रही हूँ एक अच्छी सी चाय। यहाँ पे आरवी भी उठ गई है, तो वो मुझे कह रही थी कि मैं बनाऊँगी चाय। और आप यकीन नहीं मानोगे, आरवी को चाय बनाने आती है एंड शी इज़ 4 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो मैं बस एक सेफ्टी पर्पज़ से उसके पास खड़ी होती हूँ, अदरवाइज़ उसको अच्छे से पता है कि भी क्या डालना है। 2 चम्मच चाय पत्ती डालनी है, फिर 2 चम्मच जो है जैगरी पाउडर डालना है, फिर दूध डालना है और इलायची वगैरह डालनी है, तो इसको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी ना मैं इसको ये काम करने नहीं देती हूँ। तो मैडम मुझे देख रही थी कि मम्मी मेरी वीडियो बना रही है। तो आ जाइए, आरवी के हाथों की चाय पी लीजिए। तो ये मैंने डाली है सिनेमन स्टिक और आरवी ने डाली है इलायची और लौंग। हम इसको अच्छे से उबालेंगे, फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। दूध डालने वाला काम मैं आरवी को नहीं देती क्योंकि बच्चा है, स्पिल कर देगा। तो आइए आरवी के हाथ की चाय पी लीजिए, गुड़ वाली चाय। मैं चीनी वाली चाय नहीं देती हूँ, तो अगर आपको गुड़ पसंद है तो आप गुड़ वाली चाय मेरे साथ आके पी सकते हो। सो अभी तक मैंने जो है कपड़े चेंज नहीं किए, मैं वही जॉगिंग वाले कपड़ों में सारा काम करती घूम रही हूँ। सोच रही हूँ कि काम थोड़ा कर लूँ, उसके बाद ही नहा के सीधा ही चेंज कर लूँगी। ठीक है, और अभी हम लोग कर रहे हैं हमारे गैलरी का मेकओवर, यानी गैलरी को ठीक ठाक कर रहे हैं। जो भी प्लांट्स हम छोड़ के गए थे उसको वापस ठीक ठाक कर रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट मेहनत करके, हिम्मत करके सारे प्लांट्स लेकर आ गई हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला है हेल्दी, वेरी 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 हेल्दी यमी वेजिटेबल सांबर। ऑब्वियसली सांबर में वेजिटेबल्स डालती हैं, मैं वो वेजिटेबल्स डाल रही हूँ जिससे वेट लॉस में बहुत आपको फर्क मिलेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी जस्ट तैयारी करने लगी हूँ, तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने इसमें अभी सिर्फ 2 ग्लास पानी डाला है। इसमें वो सभी सब्जियाँ हैं जिनमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि लौकी है और टिंडा है और कैप्सिकम है और क्या बोलते हैं अपने उसको, मूली है, टमाटर है। ठीक है, और आप चाहो तो आपके पास जो भी सब्जियां है ना, आप इसमें ब्रिंजल भी डाल सकते हो, आप इसमें मटर डाल सकते हो, आलू डाल सकते हो। तो मैं थोड़े से मटर जो है डालूंगी या फिर नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4 सब्जियां डाल दी है इसमें। ठीक है, और अब मैंने इसमें डाली है तुअर दाल। ठीक है, तो तुअर दाल दाल जो है वो ऐसी होती है, ये वाली। ठीक है, तुअर दाल बोलते हैं इसको, हाँ दाल। तो इसको अच्छे से धो लिया मैंने, ये बचा हुआ लेफ्ट ओवर है ये। ठीक है, तो कुछ इस तरह की होती है। इसकी मैंने आधी कटोरी ली है, इस वाले बाउल की आधी कटोरी ली है मैंने, और पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया। पानी मैंने इसमें 2 ग्लास डाल दिया। ठीक है, हमें इसको आराम से अच्छे खासे दो सीटियाँ आराम से लगा सकते हो। हमें सब्जियाँ अच्छे से गला देनी है। और सीटी से याद आया मुझे, मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल, ताकि दाल बाहर ना निकल कर आए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें डाल दिया। उसके बाद मेरे पास थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, लहसुन की कलियाँ पड़ी हैं, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, और मैं इसमें डालने जा रही हूँ, वाट ओके फाइन आ गई आर ई फुल्ड बैक आज मैं कर दूंगी यार। मैं उसके बाद मैं डालने जा रही हूँ इसमें अच्छी खासी हल्दी और एक पूरा चम्मच नमक। ठीक है, हल्दी तो ज़्यादा भी होगी तो चलेगा। ठीक है, और हमें अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, इसको आराम से 2 सीटी लगाते हैं, फिर मैं चेक करती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कम से कम इसमें 4 सीटियाँ लगाई है। ठीक है, 15 मिनट तक 4 सीटियाँ आराम से लगी है। अब इसको मैं ना अच्छे से मैश करने वाली हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी खड़ी खड़ी लग रही है।
ठीक है। ये देखो दाल पूरी मिल चुकी है, इसको थोड़ा सा ऐसे से मैश करेंगे तो ये सब्जियां सारी मैश हो जाएगी। चाहो तो नहीं भी कर सकते हो और चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अरे यहाँ पर लिया है मैंने सांभर बनाने का सामान, प्याज, मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग और ये मसाला, सांभर मसाला। आप किसी भी कंपनी का सांभर मसाला ले सकते हो, मैंने आची मसाला मसाला लिया है, मसाला बोल रही हूँ। और ये है मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। ये इधर उधर भाग जाते हैं इसलिए मैंने इसमें यहाँ रखा है, ठीक है। तो ये है इमली, इसको पानी में सोख करके रखा हुआ है, थोड़ी देर में हाथों से मसल के सीधा सांभर में डाल दूंगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो है सांभर का मसाला इसमें डालती हूँ, ठीक है। Thank you.